राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। आप किसी को भी बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहते हैं तो मात्र उसका फोटो आप प्राप्त करें। फोटो की सहायता से मैं जिस तरह से बता रहा हूं आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकते हैं। पूरी विधि को एक एक स्टेप आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। अपने आप में बहुत छोटा सा और सरल प्रयोग है। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ आप इसको करते हैं या करती हैं तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अंदर से खुश रहने का प्रयास करें। अंदर से स्माइल, गहरी गहरी सांसें लीजिए। आप सोचिए कि आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है कि किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकते हैं। अगर आपके मन में टेंशन है, तनाव है, निराशा की ग्रंथि से आप जूझ रहे हैं और उस समय आप कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता ना के बराबर मिलेगी। अतः जब भी आप कोई प्रयोग करें अंदर से प्रसन्नता के साथ। आप किसी को बस में करने जा रहे हैं, भिखारी बन के तो आप बस में कर नहीं सकते हैं। रोने हुई सूरत को लेकर तो किसी का बसीकरण हो नहीं सकता है। आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए कि आप दूसरे को अपने बस में कर सकते हैं। दूसरों को बस में करने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को ही बस में करें। ये नहीं कि अगला आपको रुला दे आप रोना शुरू कर दे, अगला आपको हंसा दे आप हंसना शुरू कर दे। आपका जो भी कंट्रोल है दूसरे पर यदि है तो आप किसी का बसीकरण नहीं कर सकते। अपने आप को उस अवस्था में लाइए, अपने आप में लौटिए। जब किसी को चोट पहुंचता है, कष्ट होता है, दर्द होता है तो इंसान अपने आप से बाहर हो जाता है। तो यहां पर आपे से बाहर नहीं जाना है। किसी ने गुस्सा दिला दिया, क्रोध हो गया, आपे से बाहर चले गए। किसी ने चोट पहुंचा दिया, चोट लग गई, अब उसकी याद में भटकना शुरू कर दिए। किसी ने धोखा दिया, अब उसको लेकर के आप माला जपते रहिए। तो यहां इसे कहते हैं आपे से बाहर होना। पहले अपने आप को अपने आप में ही लौटना है। अपने आप में आने का प्रयास तमाम योगिक क्रियाओं के माध्यम से की जाती है। हमारे माध्यम से भी आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, लेकिन जरूरी है अंदर से खुशी का भाव, चेहरे पर स्माइल का भाव। उसके बाद कोई प्रयोग करे, देखिए सफलता क्यों नहीं मिलती है। और दूसरा चीज, आप जब भी कोई प्रयोग करने जा रहे हैं तो प्रयोग के प्रति ईमानदारी से विश्वास रखिए। अपने इष्ट पर विश्वास रखना है, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव पर विश्वास करना है। फिर सफलता क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन एक बात का आपको और भी ध्यान देना है। किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से कभी कोई प्रयोग का दुरुपयोग ना करिएगा। खासतौर से जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को देता हूं, यदि आप लोग का रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था और अचानक से अगले के मन में आपके प्रति प्रेम का भाव खत्म हो गया है, वह आपको भाव नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रही है, वह आपसे दूरियां बनाना चाह रहा है या दूरियां बनाना चाह रहा है, वहां इसका प्रयोग करिए। या आप लोग के दाम्पत्य जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं आ गई हैं कि एक दूसरे से बात तक नहीं हो रही, प्रेम खत्म होता जा रहा है, तो अपने प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए संभोग वशिका का प्रयोग किया जा सकता है। मगर किसी के नैतिक मूल्यों को हानि पहुंचाने के लिए, कानून के दृष्टिकोण से कुछ गलत करने की नीयत से अगर आप कोई काम करते हैं तो इसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। अगर आप कोई प्रयोग करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है तो हो सकता है कि आपके भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव में कुछ कमी हो। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी प्रयोग में तुरंत ही आपको सफलता मिल जाएगी, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आसानी सफलता नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपने एनर्जी को बैलेंस करना। अगर आपको नहीं पता है कि एनर्जी आपकी बैलेंस है कि नहीं है तो अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो भेजिएगा, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा।
हम चलते हैं प्रयोग पर। जब भी आप किसी के लिए प्रयोग करने जाएं, किसी को बस में करने जाएं, तो टेलीपैथी का भी आपको अभ्यास करना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो टेलीपैथी पर बनाए हैं, जाकर उसको देख लीजिएगा और उसको अपने मन में हृदय में बिठा लीजिए। सोचिए कि वहां पर ये विराजमान है, बस उसको देखिए। जैसे हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखा दिया कि मेरे दिल में प्रभु राम है, श्री राम है, माता सीता है, और उसी प्रकार से अपने दिल में अगले को बिठा लीजिए। अंदर से खुश मिजाज हो करके प्रसन्नता के भाव से आप कल्पना करिए कि वह आपके बस में है, वह आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा वो करें। यह कुछ अभ्यास है जो बहुत जरूरी है। हम चलते हैं प्रयोग विधि पर। सर्वप्रथम आपको अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं, तो बिल्कुल परेशान ना हो। एक गुरु का होना बहुत जरूरी है प्रयोग की सफलता के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई गुरु आसानी से मिल जाएंगे, तो उनसे मानसिक आदेश प्राप्त कर लीजिएगा। फिर भी यदि आप लोग लगता है कि आपके पास गुरु नहीं है, तो परेशान ना होइए। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हट का सिंबल या साइन देता हूं, तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात तमाम भाइयों से, माताओं से, बहनों से कहना चाह रहा हूं, कृपया हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अपना नाम, अपना तुरंत का खींचा फोटो, अगले का नाम, अगले का फोटो, या जो भी समस्या हो साफ साफ लिखिए। तमाम बहनें हैं, माताएं हैं, कुछ भाई लोग हैं, पहले कॉल ही करना शुरू कर देते हैं। नंबर दिया हुआ है, लगते हैं कॉल करने का। एक तो उनकी पूरी बात हमसे हो नहीं पाती है, क्योंकि अधिकतर फोन आते हैं, सबके फोन रिसीव नहीं हो सकते हैं, और फोन करने के बाद ही मैं उनसे कहता हूं कि आप व्हाट्सएप का ही प्रयोग करें। अतः सभी लोग से मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है कि कॉलिंग का प्रयोग कम करके व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आप जिसको भी अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं, उसका एक छोटा सा फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो ले लीजिए, चाहे वो रंगीन हो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट, कोई भी हो चलेगा। उसके बाद मैं जो मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को आपको 11 बार जपना है और फोटो पर फूंक मारना है। जब ये पूरा हो जाए, तो उसका नाम 11 बार लेते हुए उस फोटो को अपने जेब में या अपने पर्स में रख लीजिएगा। पर्स में ना रखिएगा, चमड़े का प्रयोग नहीं करना है। अतः प्रयास करिए उसको अपने जेब में रखने का या डायरी में रखने का। देखिएगा वह आपके बगैर रह ही नहीं पाएगा या रह ही नहीं पाएगी। अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, वो जहां पर भी होगा आपसे अवश्य मिल जाए। यहां पर तो पहले एक मंत्र की आवश्यकता है, पहले मंत्र को जानिए। मंत्र है ओम भगवते नमो नारायण नमः। ओम भगवते नमो नारायण नमः। मंत्र का जाप 11 बार करना है, फोटो पर फूंक आपको 11 बार मारना है। एक बार आपने मंत्र जाप किया, फोटो पर फूंक मारा, ऐसे 11 बार करने के बाद अपने हृदय में हाथ रख करके, या सोचिए कि वह यहाँ विराजमान है और उसका नाम 11 बार आपको जाप करना है, लेना है नाम मंत्र, 11 बार उसका नाम बोलना है। उसके बाद उस फोटो को अपने जेब में रखिए, देखिएगा चमत्कार, वह आपके बगैर रह नहीं पाएगा। मैंने भलीभांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है, या जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या हो, तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन कर सकता पढ़ने पर, अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।